नमस्कार दोस्तों, बी बॉस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं शुभम तिवारी और वीर नायक की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं अमर शहीद महान वीर नायक भगत सिंह का। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह संधु का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को प्रचलित है, किंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 19 अक्टूबर सन 1907 ईस्वी को हुआ था ऐसा माना जाता है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक जाट यानी सिख परिवार था। उनका परिवार पूर्णतः आर्य समाजी था। अमृतसर में 13 अप्रैल सन 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर की नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने ज़्यादा उद्विग्न हुए कि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर सन 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल सन 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी थी। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अगर प्रकाश डाला जाए तो यह सामने आता है कि उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छेड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलनों में से अपना रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते रहे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया, कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। लाला जी की मृत्यु का प्रतिशोध भी इन्होंने बखूबी लिया। सन 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शन में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया और यह प्रदर्शन कोलकाता से स्टार्ट हुआ था, जिसमें कल के वीडियो में मैंने बताया था कि सुभाष चंद्र बोस जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। अब इनसे रहा ना गया। एक गुप्त सूचना के तहत इन्होंने योजना बनाई एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट को मारने की। सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आज़ाद पास के DAV स्कूल की चहारदीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर सन 1928 को करीब 4:15 बजे ASP सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उनके सर पर मारी, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। इसके बाद भगत सिंह ने
तीन चार गोली दागकर उनके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे, एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा, नहीं मानने पर आजाद ने उसे गोली मार दी। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का एक सफल बदला भी ले लिया। अब आइए बात करते हैं इनके असेंबली में बम फेंकने की। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधाराओं को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था और उन्हीं विचारधारा को वे आगे बढ़ा रहे थे। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वे सर्वा थे, बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक हो गया था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए उन्होंने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना भी बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज भी पहुंचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल सन 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद ना था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हाल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी ही क्यों ना हो। अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। वे दोनों खाकी कमीज तथा निकर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद वहां पर पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर दिया। दोस्तों, मैं बता दूं कि इनका यही एक सोच थी कि मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। जेल में भगत सिंह ने करीब 2 साल गुजारा और इस दौरान वे लेख लिख कर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में भी रहते हुए उन्होंने भारत को हमेशा संदेश ऐसा दिया ताकि वह शीघ्रातिशीघ्र आजाद हो सके। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन भी लगातार जारी रहा और उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारधाराओं के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। उन्होंने लिखा कि मजदूर का शोषण करने वाला, चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वह उसका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण भी त्याग दिए। आइए इनकी फांसी पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि असेंबली में बम फेंकने के कारण इन लोगों को जेल में रखा गया था और उसी से सजाए करार इनको फांसी दिया गया था। और 26 अगस्त सन 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। और 7 अक्टूबर सन 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह को फांसी की माफी के लिए प्रवि परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वह अपने
विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से भी बात फिर की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की गई। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ कराई जाए, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि उनकी फांसी के बाद यह क्रांति का बिगुल थमने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। और फांसी पर जाने से पहले लेकिन लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने, फिर एक मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन ना भड़क जाए, इस डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गांवों के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए, इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक कर भाग गए। जब गाँव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित करके विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर शहीद हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी जी को भी इनकी मौत का जिम्मेवार ठहराने लगे। इस कारण जब गांधी जी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडे के साथ गांधी जी का स्वागत किया था। एकाध जगह पर गांधी जी पर हमला भी हुआ था, किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने उनको बचा लिया था।